भी आपका जो है समीकरण बदल देगा आपका जो आंदोलन? हमें नहीं पता भाई, हम अपनी बात कहेंगे। ये बंगाल में क्या था कि बंगाल में ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। बंगाल में बीजेपी के लोग एक मुट्ठी हर घर से चावल मांग रहे थे, को भंडारा चलाना था क्या इनको? एक मुट्ठी चावल में वोट मांग रहे थे। हमने सिर्फ जाकर उनको ये कहा कि जो इस चावल की कीमत है भारत सरकार 1900 रुपया देती है, 19 रुपया किलो। आप ये कहोगे हम एक मुट्ठी चावल तो देंगे, लेकिन हमें इसकी गारंटी दे दो कि जो भारत सरकार का रेट है उस पर हम खरीद करेंगे। ये वंश भाग्य, हम तो जनता को बात बताते हैं भाई, हम और कुछ नहीं करते। वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। देखो इनको नुकसान है, अंदर अंदर करंट है जनता में, वो बोलेगी तो है नहीं, लेकिन उसको अगर छेड़खानी नहीं करोगे तो करंट मारेगी। तो चुनावी करंट है, वो लगेगा जो उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा वो करंट लगेगा। देश में मुख्यमंत्री बने कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री चुनका हुए कोई दिक्कत नहीं है, देश कोरिया ना बने और सेकंड किंगजोंग देश में पैदा ना हो, हमारा मुद्दा ये है। आप नरेंद्र मोदी को किंगजोंग की तुलना? ना हमने कहा का? अरे आप कह रहे हो तो आप, या जनता अपने आप नाम लेगी? जनता अपने आप नाम लेगी, हम नहीं लेते नाम। हम तो प्रश्न करते हैं, उत्तर तो जनता दे देती है। अपने आप बताओगे आप कौन है? सर एक सवाल ये है कि आज फिर से किसानों को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री कानपुर देहात में बड़ी जनसभा कर रहे हैं, क्या? और करनी चाह भाई जनसभा, हाँ करनी चाह, भीड़ कहाँ से जाओगे? भीड़ नहीं आओगी फिर कैंसिल करेंगे, कोहरा है वो धूप को चमकीली धूप बताओगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।